हेलो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी को पता है कि आज है जन्माष्टमी, तो मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आपको जन्माष्टमी की बहुत ज़्यादा बधाइयां हो। तो ये हैं हमारे छोटे मोटे प्यारे प्यारे से लड्डू गोपाल, जो कि बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो ये मेरे भाई का बेटा है और एक मेरी फ्रेंड का बेटा है, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ पे देख लीजिए, बच्चे राधा रानी और कृष्ण कन्हैया बने हुए हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और किस तरह से डांस कर रहे हैं। तो ये जो दिन होता है बहुत ही खुशियों भरा होता है। इस दिन सारे छोटे छोटे बच्चों को राधा रानी और छोटा सा लड्डू गोपाल बनाया जाता है, और फिर इनके बहुत प्यारे प्यारे एक्टिंग भी करवाई जाती है इनसे, और बहुत प्यारे प्यारे नाटक भी करवाए जाते हैं। तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आए, जो जो भी आपको जीवन में चाहिए वो आपको मिले। तो आप सभी ने फास्ट किया होगा और हम लोगों ने भी यहाँ पर किया है, तो हमारे यहाँ भी इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं और इस दिन बहुत ही ज़्यादा खुश भी होते हैं लोग। तो हमारे ये बच्चे किसी भी काम में पीछे नहीं हैं। और रही हमारी छोटी सी गुड़िया हमारी राधा रानी की, तो ये हमारी स्मायरा है और अपनी मम्मा के साथ देख लीजिए आटा गूंथ रही है। तो ये क्लिप मुझे मेरे भाई ने भेजा हुआ था और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगा। तो हमारे स्मायरू भी काम में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो गई है, तो देखिए किस तरह से काम कर रही है। तो जैसा कि डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बताया है कि गुग्गा मंडली आजकल हमारे घरों में आती रहते हैं। तो ये देख लीजिए, ये वाली मंडली बहुत ही प्यारी सजाई हुई है। तो देख लीजिए चारों तरफ इसके सुहागी और हार वगैरह लगाए हुए हैं। तो ये घर घर में आते हैं और ये जो देवता हैं ये सभी जगह आशीर्वाद भी देते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। तो यहाँ पर सुन लीजिए आप, इनका जो भजन कीर्तन है बहुत ही प्यारा है। तो इस तरह से जब ये हमारे घर में आते हैं तो इनको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ दिया जाता है, तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। अगर आपकी साइड इसको नहीं मनाते हैं तो आप लोग इधर ही
जो भी आपकी विश वगैरह है वो मांग लीजिए, और जो जो आपके मन में है वो यहाँ पे आप लोग मत्था टेक सकते हैं यहीं से ही। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इसी जगह आना पड़े, आप यहाँ से भी दर्शन कर सकते हो इसके। तो ये गुगा मंडली बहुत ज़्यादा शुभ होती है जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, मतलब 4-5-7 लोग आए होते हैं इकट्ठे, भजन कीर्तन करते हैं और ये भी हमें फूल वगैरह देते हैं और थोड़े से अनाज वगैरह यहाँ यहीं से उठा करके हमें फिर अपने अनाज के डिब्बों में डालने पड़ते हैं। तो इसमें फिर खाने में बहुत ज़्यादा बरकत भी होती है, तो ये मानना भी है। बाकी भगवान सभी को खुशी रखे, हम तो यही कामना करते हैं। तो जैसे ही शाम जैसे का टाइम हुआ तो हमारे घर में आ गए मेहमान। तो ये हैं हमारे मामा जी और नानी जी। तो शादी के बाद आज नानी पहली बार बेबी दीदी से मिल रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा खुश हैं और सारे घर में खुशी का माहौल है। तो ये हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, तो नानी जी के भाई ने भी जन्माष्टमी का व्रत किया हुआ है, तो नानी जी फिर वहीं जाएंगे। फिर मैंने ब्रेकफास्ट में जल्दी जल्दी से बनाए आलू और करेले, तो ये दीदी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आज इन्हीं को बनाया जाए। तो खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो इनको हमने सिर्फ सिंपल सा तड़का लगाना है, मैं इसमें टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालूंगी। अगर आप इसको प्याज पे जितना ज़्यादा भूनोगे ये उतना ही ज़्यादा टेस्ट देंगे। तो कभी कभी से इस तरह का सादा खाना भी खाना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है। बाकी करेले तो सभी के फेवरेट होते हैं। तो ब्रेकफास्ट में बने हुए हैं करेले और चपाती। बाकी जो जो कुछ हमारे यहाँ पे बनेगा जन्माष्टमी वाले दिन, तो हम वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी आपको हमारे ये ब्लॉग कैसे लग रहे हैं आजकल, आप लोग हमें बताइएगा ज़रूर, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक भी कीजिएगा। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बाकी आप अपनी डिमांड बताते रहिए कि हम आपको किस तरह के ब्लॉग लाएँ, तो हम फिर उसी तरह के ब्लॉग लाने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ब्लॉग बनाने की भी कोशिश करेंगे। बाकी हम लोग गए हुए थे एक न्यू लोकेशन पर और एक बहुत ही प्यारी जगह, तो कहाँ गए थे तो ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मिलते हैं कल ही, और जहाँ भी रहिएगा अपना ख्याल रखिएगा। एक बार फिर से आपको हैप्पी जन्माष्टमी।